नमस्कार, इस समय यहाँ पे लाइव तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला अस्पताल के बाहर से देख रहे हैं हम। आपको बता दें, आज के कोरोना अपडेट की अगर हम बात करें तो टोटल 17 कोरोना के और पॉजिटिव मामले जो है वो आज सामने आए हैं, जिसको मिलाकर कुल केसेस की अगर हम बात करें वो 342 हो जाते हैं। जो लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं वो 213 है, और जो अभी एक्टिव केसेस हैं वो है 123। तो आप देख सकते हैं, अगर हम लोग रिकवरी रेट की बात करें वो काफी अच्छा जरूर है, लेकिन जिस तरीके से रोजाना मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो उस पे कहीं ना कहीं लोगों को जो है इन मामलों को पर रोक लगाने के लिए अपना साथ देना होगा। और वो कैसे देना होगा, अपने अपने घरों में रहकर। करनाल से अगर हम बात करें, आज टोटल 17 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, जिनमें से एक हालांकि एक निजी अस्पताल के डॉक्टर भी हैं, और उसके अलावा 16 केसेस जो हैं वो अलग अलग इलाकों से जो है सामने आए हैं। उसके बारे में जानकारी भी हम लोग आपको जरूर देंगे, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से अपील यही करना चाहेंगे, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें हम लोग आपको इस समय करनाल के कल्पना चावला अस्पताल के बाहर से दिखा रहे हैं। अगर आज पॉजिटिव आए केसेस की हम बात करें तो दो लोग जो हैं वो बासा गांव के नजदीक के बताए जा रहे हैं। एक पानीपत से है, एक सेक्टर 14 से है, एक अगोन से है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल से है, एक टीकरी कैलाश के नजदीक है, एक तरावरी, एक गक्सीना, जर्नैली कॉलोनी, बहलोलपुर, मॉल टाउन, बदरपुर, अवध, कुलवेड़ी, झुंडला, शामली, यूपी और बसंत विहार, इन सभी इलाकों से जो है आज कोरोना पॉजिटिव के मामले जो है वो सामने आए हैं। और ज्यादातर मामले जो अभी तक करनाल में सामने आए हैं उनकी या तो दिल्ली से ट्रैवल हिस्ट्री है, या फिर मुंबई से ट्रैवल हिस्ट्री है, या ऐसे इलाकों से ट्रैवल हिस्ट्री है जो अपने आप में ही हॉटस्पॉट एरिया जरूर थे। और कई मामले ऐसे भी सामने आए जो कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में थे। तो हमें कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान जरूर देना है कि अगर हम लोग कहीं भी बाहर जा रहे हैं अपने घरों से, पहली बात तो हम अपने घरों से बाहर तभी जाएं जब हमें कुछ बहुत जरूरी कार्य हो। अगर घरों से बाहर जाते हैं तो किसी भी शख्स के कॉन्टैक्ट में ना आए, अपने हाथों को किसी भी ऐसी जगह पर टच ना करें जहां पर आपको ऐसा डाउट हो कि कहीं वहां पर किसी और ऐसे शख्स ने भी टच किया हो सकता है जो कि शायद कोरोना से जो है संक्रमित हो। तो इन बातों का हम लोगों को खुद ध्यान रखना होगा ताकि हम लोग जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकें और इस महामारी से, इस कोरोना वायरस से अपने आप को बचा सकें। लेकिन जिन लोगों का कोरोना पॉजिटिव पाया भी गया है उन लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करना, स्ट्रांग बनाना वो भी हमारी जिम्मेवारी है। उनके परिवार वालों के साथ खड़ा होना भी हमारी जिम्मेवारी है। उनके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार हम लोगों को नहीं करना है। घबराना हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, जो लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं 213 है उनकी संख्या, और टोटल नंबर ऑफ केसेस 342 हैं, यानी कि काफी अच्छा रिकवरी रेट जो है वो इस समय करनाल में जरूर है। हालांकि अगर हम लोग जो लोग इस महामारी के चलते अपनी जान जो है गंवा चुके हैं उनकी बात करें तो टोटल 6 ऐसे लोग हैं जिनकी कोरोना की वजह से जो है मौत हुई है। 213 लोग जो है हालांकि ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, रिकवरी रेट काफी अच्छा है। आप लोगों को इस महामारी से डरना नहीं है, लेकिन इसे इतनी गंभीरता से जरूर लेना है ताकि आप लोग खुद को इससे बचा सके, अपने स्वास्थ्य के बारे में जो है जरूर सोच सके। घरों से बाहर जाएं तो मास्क पहनकर जरूर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। शुरुआत में प्रशासन की अगर हम बात करें, सरकार की बात करें, काफी तरीके से लोगों को जो है जरूर समझाया गया कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन इस समय हम लोग अगर शहर की बात करें, कई ऐसी जगह है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है, किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। हर बार आपके सिर पर खड़े होकर प्रशासन आपको नहीं समझाएगा, सरकार के लोग जो अधिकारी हैं वो आप तक पहुंचकर आपको नहीं समझाएंगे, आपको खुद समझना होगा। 4 से 5 महीने होने वाले हैं इस महामारी को फैले हुए, लॉकडाउन को 3 महीने हो चुके हैं, और उसके बावजूद अगर हम लोग इसको गंभीरता से नहीं लेंगे, अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खुद से नहीं करेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई भी सामने से आकर आपको नहीं समझा सकता जब तक आप लोग अपनी जिम्मेवारी को खुद से नहीं समझेंगे। तो आप लोगों को अपनी जिम्मेवारी को समझना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनकर जरूर निकलना है। किसी भी पब्लिक प्लेस पर हमें ऐसे नहीं टच करना जहां पर शायद हमें डाउट है कि किसी कोरोना पेशेंट ने भी टच किया हो सकता है। एक बार फिर से अंत में मैं आपको बताना चाहूंगी, करनाल में कुल कोरोना के मामले जो है अभी तक 342 सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक्टिव केसेस इस समय 123 हैं। जो लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं उनकी संख्या 213 है, और कुल मौतें जो है कोरोना वायरस की वजह से वो 6 हुई हैं। करनाल के कोरोना की अपडेट हम लोग आपको आज दे रहे थे, जो मामले टोटल आज 17 मामले जो है सामने आए हैं। एक बार फिर से हम आप लोगों से अपील यही करना चाहेंगे, घरों से बाहर अगर हो सके तो ना निकलिए, और अगर निकलते हैं तो मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ही निकलिए, ताकि इस महामारी से हम लोग एक साथ मिलकर लड़े और जीत कर जो है बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घरों से बाहर निकले। उर्वशी चावला, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।